नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं और वो क्या चाहते हैं वो और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 27 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैंसर यानी कर्क राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हो और जानना चाहते हो उनका करंट फीलिंग्स क्या है, देख लेते हैं। आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हो, कैंसर यानी कर्क राशि, वो इंसान अभी इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है आपके टेक्स्ट कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहा है। ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में दोबारा आना चाहते हैं, झगड़े ख़त्म करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं रिश्ते में, एक स्टेबल रिश्ता चाहते हैं। हो सकता है आप लोग बहुत पुराने हो, जो दोनों लोग जो रिश्ते में हो कोई नए रिश्ते वाले नहीं हो, वैसे कोई नया भी हो सकता है, मतलब आप लोग यंग भी हो सकते हो, लेकिन रिश्ता जो है आप लोगों का कुछ पुराना रिश्ता है। इसीलिए ये इंसान इंतज़ार तो कर रहा है लेकिन करेंटली ये अपना जो इमोशन है उसको छुपा रहा है, क्योंकि इनको पता है, हो सकता है आप लोगों के बीच में बार बार लड़ाई झगड़ा होता है तो इनको पता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, तो इसका जो बचपना है, बचपना नहीं कहूँगी, मतलब इनके जो नेचर है ये थोड़ा अलग है। ये प्यार तो करता है लेकिन दिखावा नहीं करते, ये बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल रहा है। तो इंसान अभी अपने पावर में है, अपने पोजीशन में है, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहता है, इंतज़ार कर रहा है, लेकिन ये अभी आपसे कुछ नहीं कहेंगे। ये अपना इमोशन हाइड करके बैठा हुआ है करेंटली। करेंटली ये कुछ नया करने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है ये विदेश जाना चाहे, हो सकता है अपनी नए जॉब के बारे में सोच रहा है। प्यार जितना भी है उसको ये कंट्रोल कर रहा है, करंटली ये अपना प्यार को कंट्रोल कर रहा है। इनका ध्यान किसी और चीज़ की तरफ है, मतलब हो सकता है जॉब के लिए ये इंसान परेशान है, ये सेविंग्स करने में बिजी है, पैसा कमाने में बिजी है। जैसा दो ही तो चीज़ होते हैं इंसान के लाइफ में, एक प्यार एक पैसा, तो अभी ये हो सकता है पैसों की तरफ ज़्यादा इनका झुकाव हुआ है और ये अभी प्यार को थोड़ा रेस्ट दे रहा है, अपना इमोशन को ये कंट्रोल कर रहा है करेंटली। लेकिन देख लेते हैं ये इंसान चाहता क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मामला पेंटिकल्स का है, एस ऑफ पेंटिकल्स, आप जिनके साथ हो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन में से कोई हो सकता है या फिर एरीज लियो या सजिटेरियस, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं लेकिन ये राशि थोड़ा ज़्यादा दिखाई दिया मुझे, तो मैंने बता दिया क्योंकि 12 के 12 राशि के ही हो सकते हैं। ये इंसान को स्टेबिलिटी का इंतज़ार है अभी, ये अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। फिनेंशियल स्टेबिलिटी इनको चाहिए, इनको पावर पोजीशन पैसा, इसीलिए अभी ये जो इंसान है ये चाहते हैं कि प्यार तो है मेरे पास, उसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए और अपने भविष्य को आगे ले जाया जाए, अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचा जाए, जो मेरे पास नहीं है उसके बारे में सोचा जाए। उनको पता है कि प्यार है, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि आप लोगों का रिश्ता जो है कोई नया रिश्ता नहीं है कि 2-4 दिन 2-4 महीने का रिश्ता नहीं, ये पुराना रिश्ता है, उनको सब पता है। इसीलिए अभी वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में
ज़्यादा सोचना चाहते हैं, उनका ध्यान जो है अभी फिनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ है और बाद में वो रिश्ते के बारे में सोचेंगे। फिलहाल अभी वो ये नहीं सोचना चाहते हैं कि रिश्ते के बारे में सोच के वो अपनी स्टेबिलिटी को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। उनको क्लैरिटी है, उनको पता है रिश्ते में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन वो उस चीज़ को लेके बेकार में वक्त जाया नहीं करेंगे। वो अपना इमोशन अभी कंट्रोल करना चाहते हैं और फिनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ उनका ध्यान है। हो सकता है वो बाहर विदेश जाके काम करना चाहता हो, या फिर ये इंसान आपसे दूर रहता है, शहर से दूर और कंट्री अलग कंट्री में रहता है, या फिर आप रहते हो, तो ये पहले फिनेंशियल स्टेबिलिटी इनको मिलेगा तब जाके ये रिश्ते के बारे में बात करेंगे। करंटली ये यही चाहते हैं, देखते हैं क्या इन दिनों इनका कोई एक्शन रहेगा। द एम्प्रेस, फाइव ऑफ कप्स, द एम्परर, बाप रे, द एम्प्रेस एंड द एम्परर। देखिए दो जो कार्ड्स आए हैं ये आपको भी फिनेंशियल स्टेबल होने के लिए कह रहा है। ये चाहते हैं कि आप सजो सवारो, जो जेंट्स है वो लेडीज़ के बारे में सोच रहा है, जो लेडी है वो जेंट्स के बारे में सोच रहा है। दोनों एक ही तरह के कार्ड्स हैं, अगर आप रीडिंग देखते हो तो आपको पता ही है। द एम्प्रेस एंड द एम्परर, वो चाहते हैं अपनी पावर को पाना और आपसे भी ये उम्मीद करता है ये इंसान कि आप भी अपने पावर में रहो, आप भी खुद को अहमियत दो, आप भी खुद के लिए सोचो, अब सेल्फ लव कीजिए, सजिए सवरिए, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या पसंद है, आपको कैसे रहना अच्छा लगता है, किस तरह से रहने से आप अट्रैक्टिव लगोगे। और ये अपने बारे में भी वही सोच रहा है, वही उनका एक्शन रहेगा। ये जो रिश्ते में जो इमोशन है, अभी इमोशन को वो कंट्रोल कर रहा है, ये नया कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अभी सिर्फ वो अपने बारे में सोचेगा। और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि आप भी अपने लाइफ में तरक्की करो, आप भी आगे जाओ, आप भी खुद के बारे में सोचो, सेल्फ लव करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, जो सही है उसके लिए सोचो, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचो। इनका यही एक्शन रहेगा कि इन दिनों ये अपने बारे में सोचेंगे, साथ ही साथ आपके बारे में भी ऐसा ख्याल रखेंगे। इनके मन में ये ख्याल आएगा कि आप भी अपनी स्टेबिलिटी के बारे में अगर सोचते तो अच्छा होता। हो सकता है इनके पास पैसा पावर सब कुछ है या फिर आ रहा है, जितना भी है ये उसका और इस्तेमाल करके उसको और बढ़ाना चाहते हैं, अपनी पावर को अपनी डिग्निटी को ये बचाना चाहते हैं। और जो भी चल रहा है इसमें ये अपने पोजीशन को कभी ख़राब नहीं करेंगे, ये जितना हो सके अपनी स्टेबिलिटी को बना के रखने की कोशिश करेंगे। इनके लिए अभी के लिए एनर्जी चेंज होते रहते हैं ये आपको पता है, अभी के लिए इनके लिए इनका स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, समाज में रुतबा, यही इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये चाहते हैं आप भी इसी तरह से खुद को मेंटेन करो। ये अभी रिश्ते के बारे में उतना नहीं सोच रहा है जितना कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। जजमेंट, यस, द वर्ल्ड के कार्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। यूनिवर्स ही आपसे यही कह रहा है कि अगर आपको पुराना रिश्ता वापस चाहिए तो आपको अपने जो पुराने बैगेज, पुरानी परेशानियां हैं उसको ख़त्म करना है। पास्ट बैगेज के साथ आपको आगे आप नहीं जा पाओगे। अगर आप पुरानी चीज़ों को अपने दिल में रख कर आगे जाना चाहते हो तो नहीं जा पाओगे। हो सकता है आप लोगों का रिश्ता ख़त्म जैसा है, लेकिन ये रिश्ता एक नए सर्कल में जा सकता है, लेकिन आप लोगों को पुरानी चीज़ों को भूलना पड़ेगा।
जैसा कि आप दोनों ही अपने अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचिए, मेहनत कीजिए, रिश्ते के लिए मेहनत कीजिए, खुद के लिए मेहनत कीजिए, अपने आप अपने पैरों में खड़ा होने की कोशिश कीजिए। और ये जो बार बार जो आप लोगों के रिश्ते में जो नो कॉन्टैक्ट, जो परेशानी, ये जो सर्कल आता रहता है उसको ख़त्म कीजिए। हो सकता है आप लोगों का जो रिश्ता ये एक नया सर्कल में जा रहा हो अभी, लेकिन इसके लिए अगर आप खुद को तैयार कर रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो, वो बहुत ही अच्छी बात है। हो सकता है आपका रिश्ता पहले जैसा था अभी वैसा ना रहे, आपका रिश्ता एक बहुत ही सुंदर तरीके से, एक अच्छी तरीके से रिश्ते आगे बढ़े और रिश्ते में जो परेशानी था वो ख़त्म हो जाए और आप लोग एक दूसरे के साथ एक नए सर्कल में जाओ जहाँ वो पुरानी परेशानी ना हो। हो सकता है दोनों ही उम्मीद कर रहे हो कि रिश्ता दोबारा से सही हो जाए और जो भी होगा इसमें गॉड की ब्लेसिंग्स भी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।